जाना चाहिए। दोस्तों, तुम भी। ये सब क्या हो गया बच्चों? वही जानने तो हम यहाँ आए हैं महाराज। महाराज, धौलपुर में बहुत ही गबरू जवान आदमी ने हमला कर दिया है। आओ इंद्र वर्मा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें इन बच्चों का बचपन वापस चाहिए तो अपने खजाने का आधा सोना मुझे दे दो। इंद्र वर्मा, तुम्हें एक और मौका देता हूँ, या तो बच्चों का पूरा बचपना या तुम्हारे खजाने का आधा हिस्सा। चुनाव तुम्हारा, बताओ क्या चाहिए, मैं कल आऊंगा। ढोलकपुर के बच्चों का बचपन लौटाने के लिए मुझे अपनी आधी दौलत उसे देनी ही पड़ेगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है महाराज, मेरे पास एक तरकीब है। दोस्तों, दे दो इसे इसका हिस्सा। मुझे माफ कर दो भीम, मुझसे गलती हो गई। अरे ये गुड्डू तो बूढ़ा निकला। पिताजी, मेरी खूबसूरत कोमल त्वचा वापस आ गई। और मेरी खूबसूरती फिर से गई। कितनी प्यारी गुड़िया बनाई है हमने, राजकुमारी को ये बहुत पसंद आएगी। काली और जग्गू गुलदस्ता और पत्रक का इंतजाम करने वाले थे, पता नहीं कहाँ रह गए। माँ को ये सुगंधित फूल बहुत पसंद आएंगे। Thank you.
सोचा थोड़ा आराम कर लूं। आपकी कला तो अद्भुत है। तराशा की कला, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम एक दिन में ये सीख सकते हो। सीखना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं। मैं पिताजी को ऐसा ही एक पुतला तोहफे में दूंगी। आप बस हमारे साथ महल चलिए। अरे बच्चों, ये गुब्बारे और फूल लेकर कहाँ जा रहे हो? सिपाहियों। तुम्हें अच्छा पुतला बनाना है ना? तो बिना सवाल किए मेरे जैसा पंछी बना कर दिखाओ। जन्मदिन कल है और जश्न भी कल ही होगा। तुम तो अभी से तैयार होने लगे। भीम, देखो, मैं इस ठंडे ठंडे पानी में मजे ले रहा हूँ और तुम सब इस कड़कती धूप में पिघल रहे हो। कालिया, सुबह तो तुमने तालाब में डुबकी की लड़ाई थी, अब वापस ना आ रहे हो? अरे ये कितने नाजुक हो, जरा सी गर्मी बर्दाश्त हर दो मिनट में नहाओगे तो गांव का सारा पानी खत्म कर दोगे। ए जग्गू, मैं नाजुक नहीं हूँ। बिना नहाए भी मैं इस गर्मी को बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम नहीं कर पाओगे। आधा दिन भी नहीं हुआ है और तुम्हें अभी से पसीने आ रहे हैं। अच्छा, ऐसा है तो लगाओ शर्त। कौन इस कड़कती धूप से तंग आके पहले नहा लेता? मंजूर है शर्त। और अगर तुम मुझसे पहले नहाए तो तुम मुझे ढेर सारे लड्डू दिलाओगे। इस बार ने शर्त लगाई तो जीत कर ही रहेंगे।
पिता ने। जन्मदिन का जश्न बड़े धूमधाम से शाही बगीचे में मनाया जाएगा और हम सब नहा के सज धज कर जाएंगे, तुम दोनों भी। पहले जग्गू को साफ सुथरा बनाते हैं, फिर मैं साफ सुथरा बन जाऊंगा। चुटकी, तुम फिक्र मत करो, कुछ ही देर में ये दोनों इस बेकार की शर्त को भूल जाएंगे। हाँ भीम, मुझे भी ऐसा ही लगता है। एक बार पी लोगे तो फिर काहे का गम। ये लो मलाई राम का ताजा दूध, पीकर मस्त हो जाए मूड। भीम से मेरी धुलाई का बदला अब ये सफेद दूध लेगा। दौलतपुर वालों को पिला दो, तब सही होगा मेरा मूड। इसको पी के तो बिल्ली में भी बैल जैसी शक्ति आ जाती है। गमछा घुमाई के। फ्री का दूध, वाह। चलो दोस्तों, दूध की दावत हो जाए। पी लो। जग्गू, जिस तरह तुम ग्लास को देख रहे हो, अगर मैं पीऊंगा तो मेरे पेट में दर्द होगा। तुम ही पी लो। सारा दूध खत्म हो गया। अरे दूध खत्म हो गया तो कोई चिंता की बात नहीं है, हम दूध आपके घर पहुंचा देंगे इस सटाक से। पी पी। अरे राजू, तुम सूखी घास क्यों खा रहे हो? बता सकता है। पहले तो सही, लेकिन इतनी भारी है, हेल्प नहीं रही है। अब देखो घंटी का जादू, गमछा घुमाएंगे। अरे ये क्या, सारी की सारी गाय तो मलाई राम के पीछे चल दी। मालकिन, आपके कहने पर हम आधे ढोलकपुर को गाय बना चुका हूँ, आगे क्या आदेश है गमछा घुमाई के? भीम, तुम यहाँ? होनहार गायों, भीम और उसके दोस्तों को सींग मार मार के छल्ली कर दो और फिर टंकी में गिरा दो। इन्हें गाय बनाने के लिए तुम्हें धो धो कर तुम्हारा घी निकाल देंगे। मिल्क शेक पीने के चक्कर में लेने के देने पड़ गए। क्या मिल्क शेक? ओहो बुरी परी, तुमने ये सब सिर्फ एक मिल्क शेक के लिए किया। हम पिलाएंगे तुम्हें मैंगो मिल्क शेक। Sorry, I'm
चोर ही हूँ। भीम, मैं चोरी नहीं दोस्ती करने आया हूँ। डाकू से दोस्ती मुमकिन ही नहीं। सच सच बताओ क्या इरादा है? मुझे लूट मार छोड़कर एक ईमानदारी की जिंदगी शुरू करनी है। डाकू मंगल सिंह और ईमानदारी? अच्छा चुटकुला है। गलतियाँ तो सबसे होती है, मैं भी तो एक इंसान ही हूँ। भीम, मैंने देखा है तुम सबकी मदद करते हो। करते हो कि नहीं? क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? ठीक है, पर वादा करो आज से सारे बुरे काम बंद। मैंने वादा किया पर मैं करूँगा क्या? हा? सही वक्त पर आया हूँ। तुम कभी गलत हो ही नहीं सकते भीम। दोस्तों, डाकू मंगल सिंह को हमसे दोस्ती करनी है। डाकू से दोस्ती मुमकिन ही नहीं। मुझे पता है मैंने सबको परेशान किया है, लेकिन मैं परेशान नहीं, बहुत परेशान। वैसे मंगल सिंह, तुम्हें डकैती के अलावा क्या आता है? लड्डू बनाना। मंगल सिंह जी, लड्डू बनाना इतना आसान काम नहीं है। मौसी, एक मौका तो देकर देखो। लड्डू मलने के लिए एकदम नाजुक हाथ चाहिए। बस हो गया ये मजाक, चलो निकलो यहाँ से। हमें मंगल सिंह के लिए कोई काम ढूंढना होगा। प्रणाम पापा। ठीक है भीम, मैं मंगल को ध्यान करना सिखाऊंगा। चलो सब मेरे साथ सांस अंदर लो। आज तो मैं सारे के सारे पकवान खा जाऊंगा। सम्मान भीम का है और जश्न कालिया मना रहे। सब एक एक करके बताओ हुआ क्या है। महाराज, कल रात हम सबके घर में चोरी हुई है, हमारे सारे गहने गायब हैं। कृपया हमारी मदद कीजिए। शांत शांत, आप सब शांत हो जाइए। महाराज, हम भी इस चोर को ढूंढने में आपकी मदद करना चाहेंगे। जरूर भीम। चोर को तो सिर्फ कालिया डिटेक्टिव एजेंसी ही ढूंढ सकती है। कालिया और डिटेक्टिव। फाश करना ही होगा। आखिर ढोलकपुर में भीम को मेरे सिवाय कोई टक्कर नहीं दे सकता। उसके पोशाक के अंदर का असली चेहरा बाहर लाने के लिए मेरे पास एक तरबूज है। मतलब मेरे पास एक तरकीब है। मैंने सिर्फ चोर को भागते हुए देखा था। देखो और सीखो इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है।
महसूस तो भीम की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये तुम क्या कह रहे हो कालिया? ये देखो ऑरेंज कपड़ा, ये देखो वही बाल, और देखो वही पैरों के निशान। दोस्तों मुझे पता है मैंने चोरी नहीं की है, पर कालिया सही कह रहा है, हमें उसकी बात माननी चाहिए। कि तुम आ गए, एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, जल्द से जल्द ये शाही खत तुम राजा पहलवान को दे आओ। किसी छोटी सी नासमझी की वजह से उसने पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर ढोलकपुर के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। अगर सूरज ढलने तक ये खत उस तक ना पहुंचा, तो ढोलकपुर का अंत समझो। आप फिक्र ना करें महाराज, ये काम बहुत आसान है। हम सही वक्त पर सही तरीके से सही जगह सही हाथों में ये खत पहुंचा देंगे। तो फिर चुटकी को हरा कर दिखा। ये कौन सी बड़ी बात है, लड्डू जरा संभाल के रखना भी। जरूर कालिया। मैं थोड़ी सी मदद करूं। जल्दी करो, जल्दी करो। फिर मैं जीत गया। उस्ताद, तुम ठीक तो हो कालिया? जीत गया। बकरियाँ। लेकिन इनको डराया किसने? चलो चलकर देख लेते हैं कहाँ है भूत। वहाँ उस खेत में। हाँ,
तूफान में भी झूला झूलने की पड़ी है। ठीक है, झूलते रहो फिरकी लेके। उस्ताद, दुनिया के सबसे बड़े झूले की सवारी करोगे? जरूर, तुम धक्का लगाने के लिए तैयार हो? हम तो नहीं, लेकिन हमारा एक दोस्त तैयार है, वो देखो। देखो तो इसमें क्या लिखा है। ओ नहीं, शाही खत तोड़ गया, पकड़ो उसे। दोस्तों और सिपाहियों, तैयार हो जाओ अब तक के सबसे बड़े युद्ध के लिए। तैयार हो जाओ एक ऐसी मिसाल कायम करने के लिए कि आज के बाद कोई भी राजा किसी और की थाली से जलेबियां उठाकर खाने की सोच भी ना सके। तैयार हो जाओ ढोलकपुर को नक्शे से हटाने के लिए। पहलवान, पर ये खत सही वक्त पर देना जरूरी था। ये लीजिए। दोस्तों और सिपाहियों, हमारे और इंद्र वर्मा के बीच जो गलतफहमी थी वो दूर हो चुकी है। इसी खुशी में हम राजा इंद्र वर्मा और भीम के सम्मान में एक और दावत की घोषणा करते हैं।